हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आर्ट मैजिक बाय विकास। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ नागिन 6 के पोस्टर का पार्ट 2 वीडियो। यहाँ पे मैं कुछ और डिटेलिंग्स को कंप्लीट करते हुए आपको नज़र आऊँगा और इसके बाद आपको पार्ट 3 भी मिलेगा नेक्स्ट ट्यूजडे को, पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करते हुए। उसमें हम मेनली फोकस करेंगे कि किस तरीके से मैं प्रथा को बना के कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज के लिए हम बचा हुए चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आज जो नीचे का बचा हुआ जो भी बैकग्राउंड है प्रथा के अलावा, वो सबको बनाने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो और नाग मैंने बना रखे हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया ही था कि यहाँ पे टोटली 3 नाग होने वाले हैं। एक प्रथा जिस पे बैठी है जो उनके पीछे है, और 2 उनके साइड साइड में। तो यहाँ पे मैं बचे हुए दोनों नाग को भी बना के अब कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उनके हेड पार्ट के लिए, ऊपर के साइड के लिए शाइनी इफेक्ट देने के लिए, मैंने ब्लैक पोर्शन कम किया है। वहाँ पे मैंने वाइट छोड़ा है, येलो और लेमन येलो का इस्तेमाल करके वहाँ पे ऊपर गोल्डन टच देने की कोशिश की है। उसके बाद उनका जहाँ जहाँ नाक का फेस आता जा रहा है वहाँ पे मैंने ब्लैक स्ट्रोक्स दे के उसको एकदम डेंजरस एंड ख़तरनाक दिखाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पे हम सांप के अंदर का पोर्शन बना देते हैं। ऑलवेज आपको ये याद रखना है कि आपको हमेशा डार्क टू लाइट के टोन में चलते जाना है। देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का इस्तेमाल, फिर उसके बाद डार्क क्रिस्ट जो आपके पास ब्राउन होता है वो, फिर उससे लाइट ब्राउन, इस तरीके से आपको शेड्स का ध्यान रखते हुए बनाना है। उसके बाद येलो और का इस्तेमाल करते हुए आपको ये जो सांप के बीच का पोर्शन है मैं, आप देख सकते हैं, वो कर रहा हूँ, और उसके बाद हल्के लाइट ब्राउन का भी इस्तेमाल करूँगा। फिर बीच में उनका जो एरिया होता है वो हल्का वाइट एंड गोल्डनिश कलर का होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एट द एंड थोड़े वाइट पोर्शन छोड़ के वाइट कलर पेंसिल से इसको मर्ज कर लूँगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि प्रथा के पीछे जो धरती ख़त्म हुई उसके बाद जहाँ प्रथा बैठी है वहाँ तक का हमें एक ट्रांजिशन थोड़ा सा क्रिएट करना है, जहाँ पे थोड़ा स्मोकी इफेक्ट लगना चाहिए कि वहाँ पे हल्की धुंध है, मिस्ट है, उस तरीके से हमें इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हल्के ब्लैक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं एंड डार्क ब्लूज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद उसको वाइट के साथ मिक्स करके मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैं यहाँ पे डार्क ब्लू से होते हुए ब्लैक तक का ट्रांजिशन क्रिएट करके जो पीछे नाग आ रहा है वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर डार्क ब्राउन और डार्क ब्लूज़ का इस्तेमाल करके आपको ये जो एंड पोर्शन है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। दूसरे साइड पर अब आप देख सकते हैं मैंने वैसे ही क्रिएट किया है। उसके बाद वाइट जेल पेन की सहायता से मैंने यहाँ पे डॉटेड इफेक्ट क्रिएट किया, थोड़ा ग्लिटरी इफेक्ट दिखाने के लिए, तारे और थोड़ा ग्लिटर शाइनी इफेक्ट देने के लिए मैंने ये चीज़ की है। अब आप देख सकते हैं हम दूसरे सांप को भी सेम टू सेम तरीके से बना लेंगे। उसके मुंह के अंदर हम ब्लैक कलर करेंगे एकदम एंड पोर्शन के लिए, जीप के लिए हम एकदम प्यारा सा रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे, डेंजरस रेड। उसके बाद मुँह के अंदर रेड्स एंड ऑरेंजेस के शेड्स को हम डालेंगे। उसके बाद हम सांप के लिए इस्तेमाल करेंगे गोल्डन कलर, गोल्डन कलर मींस येलो और लेमन येलो कलर्स। उसके बाद यहाँ पे दांत के लिए आपको उसे वाइट ही रखना है, और एट द एंड हल्की ग्रे स्ट्रोक्स मारने हैं टू गिव इट अ नेचुरल टच और वो एकदम रियलिस्टिक देखने में लगे। यहाँ पे देख सकते हैं येलोस का इस्तेमाल करके मैं सांप को बना लूँगा, और उसके ऊपर ब्लैक की सहायता से जो भी उनके ऊपर प्रिंट्स हैं या डिज़ाइंस हैं सांप के ऊपर के, उसको डेंजरस दिखाने के लिए एकदम ब्लैक एंड गोल्डन सांप है वैसा दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने बना लिया है। जहाँ पे भी आपको शेडोज देनी है वहाँ पे हमेशा आपको डार्क कलर्स का इस्तेमाल करना है, जैसे ब्लैक, डार्क ब्राउन्स और जो भी तरीके के ब्राउन्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो देख सकते हैं हम सांप के अंदर का पोर्शन भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो आप भी देखते जाइए और सीखते जाइए कि किस तरीके से मैं इसे बना के कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अब हमने ऑलमोस्ट सांप को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अब हम प्रथा के पीछे जो बड़ा वाला सांप है जिनके ऊपर वो बैठी हुई हैं, उसके ऊपर जितने भी जो सांप के टेक्सचर्ड बॉडी होती है उसको हम बना के कंप्लीट करते हैं। तो हमेशा की तरह ब्लैक्स,
डार्क ब्राउन्स एंड लाइट ब्राउन्स का इस्तेमाल करते हुए हम ब्लैक से लाइट मतलब डार्क से लाइट की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैं ब्लैक कर रहा हूँ, हल्की लाइट ब्राउन्स का इस्तेमाल करूँगा, डार्क ब्राउन फिर लाइट ब्राउन का इस्तेमाल करते हुए उसको एंड में कंप्लीट करूँगा। और फिर उसके बाद सांप के एंड की जो पोर्शंस आएंगे उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए पूंछ से वहाँ पे मैं डार्कर पोर्शंस को हाईलाइट्स दूंगा डार्क ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर के इस्तेमाल करने से। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिले। तो आशा करता हूँगा कि आपको मैंने आज जितने भी डिटेलिंग्स बना के समझाने की कोशिश करी वो आपको समझ में आई होगी। तो मिलता हूँ मैं जल्दी मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे को, मैं इस ड्राइंग को आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इस ड्राइंग को बना के कंप्लीट किया। एंड में मैं प्रथा को लास्ट वीडियो में बना के अब कंप्लीट करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी बहुत एक्साइटेड होंगे जिस तरीके से मैं हूं। तो टेक केयर एंड बाय बाय।